नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कामतगढ़ स्थित भाग्यनगर वार्ड नंबर 22 में भीम सैनिक मित्र मंडल द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। बताते भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को किस तरह भीम सैनिक मित्र मंडल द्वारा मनाया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी RPI उपाध्यक्ष भुवनेश्वर जिला पिंटा पाइकराव और भीम सैनिक मित्र मंडल के जयंती अध्यक्ष चेतन सरदार ने दी और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, आइए देखते। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल सत्यवार्ता चैनल के माध्यम से लोगों को जयंती की शुभेच्छा देता हूँ। और जयंती हम लोग भीम सैनिक मित्र मंडल भाग्यनगर कामतगढ़ यहाँ से हम लोग बड़े धूमधाम से जयंती मनाने वाले। डीजे वगैरह कम आवाज़ में, जैसे पुलिस प्रशासन ने जो नियम पालन करके ही हम लोग डीजे लगाए और कम आवाज़ में हम लोग बनाने वाले। सुबह हम लोग 10:30 बजे वंदना लेंगे, वंदना लेके आगे का कार्यक्रम और यहाँ के सब जनता को, भाग्यनगर की जनता को हम लोगों ने कुछ खीर बाटा, शीरा बाटा और हर पूरे मोहल्ले को खिलाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मतलब हमारी जयंती, वही हमारा और दिवाली रहती है, वही हमारा नवरात्रि रहती है, वही हमारा गणपति रहता है और हमारा सबसे पहले तो नया साल रहता है। और हम लोग नए कपड़े और नए साड़ी हम लोग सब पहन के हम लोग जयंती मनाते, नाच के जयंती मना, खुशी मनाते। और जो सरकार ने अभी बोला है कि हम लोग 2 साल चुप बैठे थे, क्योंकि 2 साल में कोरोना काल था, उस कोरोना काल में हम लोग सब रिस्ट्रिक्शन रखे थे, इसलिए कोरोना काल के लिए हम 2 साल चुप बैठे। और इस साल अभी महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि कोरोना हद पार हो गया महाराष्ट्र, तो हमको बहुत खुशी हो गई और आज हम इस साल बहुत बड़े धूमधाम से जयंती मनाएंगे। और मैं भीम सैनिक मित्र मंडल की तरफ से पूरे भिवंडी वासियों को आह्वान करता हूँ कि जितने भी अपनी जयंती निकलेगी वो शांति से निकलनी चाहिए, क्योंकि अपने बाबा साहब का नाम खराब होना नहीं चाहिए। और अपने रैली में सिर्फ अपने जो रैली निकलेगी वही रैली में अपने नाचो, दूसरे रैली में जाके नाचना नहीं, किसी को धक्का मुक्की लगना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपन अगर झगड़ा लफड़ा करेंगे तो अपने बाबा साहब का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए सब ध्यान रखो, भीम सैनिक मित्र मंडल से बोलता हूँ पूरे भिवंडी वासियों को, पूरे महाराष्ट्र और देशवासियों को कि शांति से अपनी जयंती मनाएं। जो पुलिस नियम है वो नियम का पालन करें, जो सरकारी नियम है वो नियम का पालन करके ही अम्बेडकर जयंती मनाना है। और सबको मेरी तरफ से पिंका पाइकर भिवंडेश्वर जिला उपाध्यक्ष, माननीय श्री महेंद्र जी गायकवाड़ साहब जिला अध्यक्ष, हमारे सभापति मैडम नंदिनी महेंद्र गायकवाड़ तरफ से, मेरे पाइकरों तरफ से और मेरे 22 नंबर वार्ड से सबको भीम सैनिक मित्र मंडल की तरफ से और सब देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की शुभेच्छा देता हूँ। जय भीम, जय महाराष्ट्र। पहले तो पूर्ण भारतवासियों माझ्याकडून जय भीम आणि बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। मला यावर्षी पिंटा पाईकरांनी अध्यक्षपद दिले आहे, त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे, यांचा विश्वास मी कायम ठेवणार आहे आणि जयंती मी त्यांच्या आशीर्वादानिमित्ताने खूप चांगली करणार आहे, त्यांचा असा विश्वास आहे माझ्यावर आणि मी सर्वांना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।